नमस्कार। आज हम सिलसिले के 78वीं कड़ी में हैं और इस कड़ी में एक व्यक्ति जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होना है, ऐसे एक व्यक्ति के कुछ बातों को हम सामने रखने जा रहे हैं। ये सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, उसके बावजूद आज के इस कड़ी का उसको एक मुद्दा इसलिए बनाए हुए हैं ताकि ज्योतिष को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए, ज्योतिष में विज्ञान को परखने के लिए जिज्ञासा किस प्रकार से जग सकता है और जिज्ञासा को कैसे जगाना चाहिए, ये इन कड़ियों को उनकी बातें कुछ नींव डाल सकते हैं, अर्थात उस महानुभाव के उन वचनों के आधार पर हम ज्योतिष के संभावित वैज्ञानिक पक्षों के ऊपर अपना ध्यान डाल सकते हैं, अर्थात एक नए सिरे का जिज्ञासा पैदा हो सकता है। वो व्यक्ति हैं ओशो। ओशो नाम से सुप्रसिद्ध रजनीश महोदय, इनके तमाम ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है द हिडन मिस्टरीज। द हिडन मिस्टरीज में एक अध्याय है एस्ट्रोलॉजी, द साइंस ऑफ कॉस्मिक वननेस। इस अध्याय के ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम पिछले कुछ कड़ियों में अपने जो भी बातें हमें बतानी होती हैं अथवा हमारे जो भी विचार प्रस्तुत करने होते हैं, तो हम एक बात को बार बार ले आ रहे थे, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंग के उस सिद्धांत के बारे में हम बार बार बात कर रहे थे, और यदि एस्ट्रोलॉजी द साइंस ऑफ कॉस्मिक वननेस, यदि इनके अर्थ को भी हम निकाल के द थियरी ऑफ एवरीथिंग के नीचे रखेंगे टाइटल्स में, तो शब्द अलग हैं और ये जिस अर्थ की ओर इंगित करना चाह रहे हैं ये दोनों, वो एक ही हैं। ओशो जी के उस अध्याय के ऊपर विचार यदि हम करना चाहते हैं तो ये बहुत लंबा चलेगा, और लंबा चलने के बावजूद हमें इस पर विचार करना ही चाहिए। इसके पहले उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, ऐसे एक विषय को संग्रह करके एक जगह रखने के लिए, ऐसे एक विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे एक विषय को एक ग्रंथ का रूप देकर समाज में प्रसारित करने के लिए। यहाँ उन्हीं के विचारों के दृष्टिकोण को आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम इसमें चिंतन अथवा जिज्ञासा जगाने का प्रयास अलग रूप से भी कर सकते हैं। उनके अनुसार ज्योतिष के जो प्रमाण मिलते हैं वो 25,000 वर्ष पुराने हैं। कहाँ पर मिले हैं? सुमेरु में। ये सुमेरु आज का जो इराक है उसी के इर्द गिर्द का है, जहाँ मेसोपोटामिया जो स्थान है, और गूगल में यदि सर्च करते हैं, विकिपीडिया में जाते हैं, अथवा हम जिन इतिहास के ग्रंथों को अध्ययन किए हैं यदि उसमें जाते हैं, तो विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति सुमेरु संस्कृति करके हमें वहाँ लिखा हुआ मिल जाता है। 25,000 वर्ष पहले के कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं जिन पर चंद्रमा के कक्षा अंकित किया हुआ मिलता है और कुछ ज्योतिष की चर्चाएं मिलती हैं, तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि ज्योतिष 25,000 वर्ष पहले सुमेरु में था। फिर बात आती है भारत में ज्योतिष की, अर्थात सुमेरु में कहां से गया। तो रजनीश जी का मानना है कि सुमेरु में 6,000 वर्ष के पहले ही, क्रिस्त के 6,000 वर्ष पहले ही सुमेरु में भारत से ही पहुंचा था ज्योतिष। ये
अपनी बढ़ाई अथवा अपने देश के बढ़ावा में कहने वाली बातें नहीं हैं। अब रजनीश जी उसका प्रमाण कहाँ से ले रहे हैं इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद में तमाम चर्चाएं ज्योतिष के हुए हैं और उन सभी चर्चाओं को हम हर जगह में प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर देखो ये ज्योतिष की बात है, ये ज्योतिष की बात है। किंतु ऋग्वेद के समय की बात जब आती है तो हम उन लोगों पर टिक जाते हैं जो कहते हैं कि ये 5000 वर्ष पुराना है, 6000 वर्ष पुराना है। अब ओशो जी एक और व्यक्ति को वहाँ पर उद्धरण के रूप में ले रहे हैं, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। यदि आपको याद होगा हम बाल गंगाधर तिलक महोदय के योगदान के बारे में चर्चा कर चुके थे। बाल गंगाधर तिलक महोदय एक ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम ओरियन के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु उस ग्रंथ का असली नाम ओरियन नहीं है, द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, यानी वेदों की प्राचीनता, उस पर वो शोध कर रहे थे। और शोध उनको क्यों करना पड़ा, मासानाम मार्गशीर्षोहम, ये भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं उसी एक वाक्य पे अटक गए थे बाल गंगाधर तिलक। और उनकी जिज्ञासा हुई चैत्र से लेकर फाल्गुन तक जब 12 महीने हैं तो उनमें मार्गशीर्ष महीना ही क्यों है भगवान कृष्ण, तो वही खोज मृगशिरा नक्षत्र तक ले गई उनको, वही खोज वेदों तक ले गई। तो ऋग्वेद में चर्चा है वसंत संपात के, जिसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स दो होते हैं, संपात, एक शरद संपात और एक वसंत संपात, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमन इक्विनॉक्स। तो उनमें से वसंत संपात मृगशिरा नक्षत्र में बताया गया है ऋग्वेद में। तो फिर ढूंढते ढूंढते गए बाल गंगाधर तिलक, फिर उसी चीज़ को वो ग्रंथस्थ करते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र में वसंत संपात आज से 95000 वर्ष पहले था। यदि वेद कोई बाद में लिखा हो बैठ के तो वो इस चीज़ का मृगशिरा नक्षत्र से उसको ताल्लुकात रखते हुए आसमान को उतने पीछा नहीं ले गया होगा। तो वो शो यही कहते हैं कि 95000 वर्ष पहले जो स्थिति थी नक्षत्रों के आसमान में, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, फिर वो सुमेरु से कहाँ से आया, तो उनका कहना यह है कि सुमेरु में 6000 वर्ष पहले ही वहाँ पहुँच गया था। तो क्रिस्त से 6000 वर्ष पहले सुमेरु ने विश्व के लिए दरवाज़ा खोला और ज्योतिष के ज्ञान वहाँ से प्रसृत होना प्रारंभ हुआ। हम द साइंस ऑफ कॉस्मिक वननेस जिस टाइटल पे अभी बात कर रहे हैं, जो रजनीश ओशो महोदय के द हिडन मिस्ट्रीज ग्रंथ का है, और इन पर फिर अगले कड़ी में भी अपने चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि रजनीश महोदय के ये विचार, उनके द्वारा संग्रह किए गए ये विषय हमें एक संभावित और एक वैज्ञानिक पहलू ज्योतिष के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिज्ञासा के एक नए कड़ी को जगाने की क्षमता ये विषय रखता है। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में एक ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।